गाइस, दिस इज रेहाना एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ स्टार न्यूज एक्सप्रेस। पहली बार सुन रहे हैं क्या? डोंट वरी, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर न्यूज चैनल स्टार न्यूज एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, मैं इरफान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में आया एक वाकया, गैंग अटैक करने की गई कोशिश। तफसीलात के मुताबिक चिंतलमेट किशोर बेगम मस्जिद के पास मियां बीवी के बीच हुआ एक छोटी सी बात पर एक बड़ा झगड़ा, जिसमें बीवी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर शौहर मोहम्मद सद्दाम और उसके भाई मोहम्मद फेरोज और ससुर मोहम्मद इस्माइल पर खातिलाना हमला कर दिया, जिसके चलते ये लोग जख्मी हो गए। पुलिस को पता चलते ही मौके वारदात पर पहुंचकर जख्मी लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतखित कर दिया। मोइन, रियाज, रहीम, कलीम, सलमान, ताहिर, खमर, फातिमा के साथ और कुछ लोगों ने मिलकर इनके घर में घुस के इनको हथियार से मारने की कोशिश की और जख्मी कर दिया। साथ ही साथ घर से 80,000 कैश और 3 तोला सोना लेकर फरार होने का इल्जाम भी लगाया गया है। जख्मी मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद फेरोज ने मीडिया के जरिए सब लोगों से इनसे जान का धोखा है कहकर राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज किया और तहकीकात जारी है। रिपोर्टर राजशेखर के साथ मैं इरफान, स्टार न्यूज एक्सप्रेस। भाई को फोन करा, मेरे चाकू से मारे, 5 टाके लगे मेरे को, मेरे भाई को। उसके बाद कॉल करा मैं मेरे भाई बहन को कॉल करा, उसके बाद आए लोग मेरे को मारे था मार के, फिर उनको भी क्या है जख्मी कर दिया, टाके डाले उनको। और मेरे अलमारी में से 3 तोले सोना था, 80,000 रुपये रकम थी, वो भी छुप लेके चल गए। जो मारने वालों का नाम था रियाज और कलीम, रहीम, फातिमा और जो सो ताहिरा, मोहिन और बाकी के लोगों में तो मेरे नहीं मालूम, सलमान नाम कुछ था। फिर जब बाद में भाई आए मेरे तो लोगों के ऊपर भी अटैक करे, जान का मेरे को धोखा है ये। मेरे भाई को नहीं मिलना, नहीं मिलने की सूरत में मैं अकेला था, कौन इतला दिए कि लोगों को, वो तो मेरे को नहीं मालूम। घर पे मैं अकेला था, मुँह धो के गाड़ी पे आके थकान हो गई तो आके लेटे हुआ था मैं। जस्ट 10 मिनट के बाद आके मेरे को क्या है हमला कर दिए। कितने बजे की बात है ये? 10:30-10 बजे के दरमियान की बात है ये। उस वक्त तो मेरे को जान भी नहीं थी मेरी, अपने आप में था मैं। वजह क्या है लड़ाई की? ये वजह बोल तो मेरे भाई से लड़ाई कुछ चल रहा था मैटरों का, उनमें क्या हुआ कि वो मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने नहीं मिलने की सूरत पे मैं घर पे अकेला था, मेरे मम्मी भी नहीं थे, मेरे पापा भी नहीं थे। अचानक अटे वो कर दिए, मेरे को अटैक कर दिया। वाले कौन है वो? हमला करने वाले ताहिरा, रियाज, ये जेंट्स का नाम हूँ। कौन है आपके रिश्तेदार है या फिर आजू बाजू वाले है? कौन आपके? मेरे आजू बाजू वाले तो नहीं है, मेरे भाई के साले है, सालिया है वो। उलों से उलों की दुश्मनी क्या थी कि चुप मेरे को नाजायज के वहाँ तकलीफ दे दिए, मार दिए, मेरे घर का सामान तोड़ दिया पूरा, फिर जल मारी और पूरा घर को डैमेज कर दिए। मेरे वाले साहब को भी मारे लो। हाँ सुने, तेलंगाना गवर्नमेंट से यादवन गुजारिश करता हूँ मैं, मेरे को इंसाफ मिला। सुने, और जो मीडिया है उनसे भी मेरे को सपोर्ट मिली तो बहुत बहुत दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ उनका मैं। पीएस में कंप्लेंट लिखा है? पीएस में कंप्लेंट दिया तो कल बोलते बोले ना। आपका पीएस लिमिट? मेरा पीएस में राजेंद्र नगर पीएस है, मैं चिंतलमेट किशोर नगर, ये चिंतलमेट किशोरी मस्जिद के बाजू में रहता हूँ, मेरा घर यही है। पुलिस वाले आके देख के गए? पुलिस वाले है, बाहर से खाली फोटो लेके गए, अंदर तो अब तो नहीं आए, हम वीडियो बताए तो जब देखे ना। कंप्लेंट हुई पीएस में? कंप्लेंट हो गई जी। ठीक। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है, ये मोइन भाई जो है फोन करा था, हमारे जोरो मरद के लड़े थी, इनको फोन करा, हमारी बेटिया था टॉर्चरा दे रही भाई, आके बात करो तुम, उसको भी फैसला करके जो अगले दोनों गाली दिए, गुफ्तगू मैंने भी गुफ्तगू दिए, मैं भी गुफ्तगू दिए, गालियाँ दिए, दोनों भी दे दिए, कोई दे दिए, बाद में फोन कट कर दिया। बाद में पलट के मैं क्या करा, जिले को गया, हमारे बहन के घर को गया, सीधा घर को आ गया, हमारे छोटे बहन के घर पे रुका था, शाम में आए 10:30-11 बजे, 10 के टाइम पे क्या टाइम हो रहा था, जब क्या करे, जब फोन मारे, फोन छोटा भाई फोन करा मेरे को मार रहे बोल के, सीधा आते हमारे छोटे भाई को मार दिए, पहले हाथ पड़ गए, 5 टाके इनको पड़ गए, मेरे को सर पे यहाँ टाके हैं, फिर यहाँ साइड में कनपट्टी पर टाके हैं, फिर यहाँ पर टाके हैं मेरे को, क्या है चुप खाली की वो जर थे गुप्तगु में, क्या करेंगे बेटों को लेके आएंगे, भांजों को लेके आके फुल टोपी लेके आके चाकू से मारे, फिर जर रहा था तो चाकू घुस जाती थी सर में मेरे, मैं भाग गया यहाँ से गली में से, भाग के बाहर रोड पे गया, रोड पे जाके जब बचा मिले तो पूरा पूरा मार के नाक की हड्डी पूरी तोड़ दी मेरी, पर यहाँ पर जान को धोखा है मेरे को, ये जो मोइन और ताहिरा, खमर और रियाज पूरे जने नुआ है, 5-6 जने नुआ है, दारो सलाम को थोड़े चाकुआ ले लेके आए थे इनकी, जो ये खौरिक भाई ने चिच्ची में था चाकू रख लेके, प्रेस की चाकू आती वो चाकू निकाल के मारने आ रही थी मेरे को,
बिल्कुल हमारे खलेरे भाई को मारने आ रही थी, उन्हें क्या आंकड़ा लटका इसके हाथ में, तो डर से देख के हट गई ने पीछे। गुजारिश चाहता हूँ मैं तेलंगाना से, बिल्कुल इन्हों से बचाए, पुलिस से भी इन तोले सोना भी गया है हमारे भाई का, 80,000 कैश थे। पूरी अलमारी के अलमारी में तो पैसे रखे हुए थे, सोना रखे हुआ था, पूरा फेंक दिए, पूरा निकाल लेके चल गए, उसमें एक भी नहीं है चीज, कुर्सी भी नहीं है, पूरी डिक्की भी खुली हुई है इसकी, तो क्या है देख ले सकते हैं आप, वहाँ देख ले सकते हैं। गुजारिश है आप लोग हमें करना, तेलंगाना से है पुलिस से और कमिश्नर साहब से और को जान जान का धोखा है हम लोग को, जान का भी आपकी नेक्स्ट टाइम पे अटैक कर सकते हैं हम लोग को, उससे पहले हम तेलंगाना पुलिस से गवर्नमेंट से अभी भी कर सकते हैं, हमें मदद चाहिए हमको बस। प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर न्यूज चैनल स्टार न्यूज एक्सप्रेस। और हाँ, जो घंटा दिख रहा ना उसको दबाना ना भूले, because you will get notified on our every new video.